उसके बाद जाके जब वापस धर्मशाला में आएंगे, उसके बाद जाके वापस जयपुर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे आएंगे, उसके बाद जाके वापस जब सिल्लीगुड़ी आएंगे तब कीर्तन पूरा होगा साहब। इसके बाद कीर्तन पूरा आइए, आराम से सुनिए, आज तसल्ली से सुनाऊंगा, बिल्कुल तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। जिसको जल्दी हो वो जा सकता है, और जिसको जल्दी नहीं है वो फोन करके कह दो, घर की चाबी मैट के नीचे रख देना। हरे 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 शिवम पैलेस में कीर्तन हो रहा है, आपके चक्कर में भाई साहब एक हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, और आपको पता है कीर्तन में ताली दोनों हाथों से बजती है, आपके चक्कर में ये अपनी भक्ति नहीं कर पा रहे। आप सब लोग यहां आ जाओ, आके आनंद लो, इसका भी बेड़ा पार लगने दो और अपना भी लगने दो यार, मेरा ताली बजे फिर से। One, two, three, four, one, two, three, four.
बैठ जा। देखो इतना बड़ा आयोजन करवाया तो बाबा को दिखने दो, और अगर वो नहीं दिखेगा तो कोई फायदा नहीं किसी चीज का। खाटू में मंदिर के बाहर एक बच्चा 5-10 रुपया मांग रहा था, उसको देने लगा तो याद आया ये तो वही है जिसने 5 साल पहले भी मांगा था, और इसने आशीर्वाद दिया था कि जा तेरा नाम हो जाएगा। मुझे तो 2-4 लोग जानने लग गए 5 साल में, लेकिन वो बच्चा आज भी वही भीख मांग रहा था। मैंने बाबा से सवाल किया कि बाबा मैं 500 किलोमीटर से आता हूं, मेरी बिगड़ी बात बन जाती है, ये तेरे मंदिर के आगे ही खड़ा रहता है, इसकी बात क्यों नहीं बनती? बाबा बोला कन्हैया फर्क सिर्फ इतना है, इसे मंदिर के बाहर भरोसा है, तुझे मंदिर के अंदर भरोसा है। जिस दिन आपको मंदिर के अंदर भरोसा हो गया ना, माना कीर्तन शुरू होने से पहले ये शिवम पैलेस था, कीर्तन शुरू होने से पहले ये फूल थे, कीर्तन शुरू होने से पहले ये स्टेज था, कीर्तन शुरू होने से पहले आप और हम सिलीगुड़ी भारत चंडीगढ़ ना जाने कहां कहां के रहने वाले, लेकिन जैसे कीर्तन शुरू हो गया बाबा की जोत जल गई, ये शिवम पैलेस खाटू धाम हो गया, ये स्टेज खाटू का वो मंदिर के आगे का स्टेज हो गया, आप और हम शाम प्रेमी हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं है साहब। जो आए हैं दरबार में बैठ जाइए, कोई खड़ा ना रहे। अगर एक प्रेमी के कारण दूसरे को बाबा दिख गए तो उसका 50% भी आप लेके जाओगे साहब, जो 150% लेके जाएंगे दोनों हाथ उठा के प्रेम से वो मेरे बाबा तू इतना चलूं सावरे, हरे हरे। सुन रहे हो बाबा? हरे हरे। अच्छा, हर 11 पे खाटू कौन कौन जाता है? मैं भी नहीं जा पाता, लेकिन मैं चाहता हूं जो 11 पे खाटू जाते हैं वो हमारा संदेशा लेकर जाए। कौन कौन भेजेगा अपना संदेशा? बाबा से कहना, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, सांवरिये से जब भी बातें हो जाती है, सांवरिये से जब भी बातें हो जाती है, दिल में बेचैनी आंखों में होता है, जब किसी को प्यार होता है, पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, खाटू जाकर सांवरिये से मिल, दीवानों सी हालत होती है, मत पूछो फिर क्या क्या होता है, तीन भाई हैदराबाद के, समझना, बोले खाटू चलते हैं फागुड़ मेले में, बोले चलते, चौथे दोस्त को पूछ लिया, बोला चलेगा क्या,
बोला मैं नहीं मानता भगवान भगवान क्या होता है ये, मैं नहीं मानता भगवान क्या होता है, मैं नहीं मानता। बोले चल ले मजे करेंगे। बोला काहे के मजे? बोले वहां कटी कचौड़ी बड़ी स्वाद मिलती है। जब आदमी पहली बार खाटू जाता है तो मालूम कैसा होता है बताऊं?